अहम ब्रेकिंग न्यूज़ सां कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो मुस्लिम लीग नून सुन्नी इतिहाद काउंसिल के कारकुन पारा एक बे खिलाफ नारेबाजी की पे वे ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कंदासीं कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो मुस्लिम लीग नून सुन्नी इतिहाद काउंसिल के कारकुन पारा एक बे खिलाफ नारेबाजी की पे वे अहम खबर अवां सां शेयर करे आयूं कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो मुस्लिम लीग नून सुन्नी इतिहाद काउंसिल के कारकुन पारा एक बे खिलाफ नारेबाजी की पे वे हि अहम खबर है जहां अवां सां शेयर करे आयूं कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो मुस्लिम लीग नून सुन्नी इतिहाद काउंसिल के कारकुन पारा एक बे खिलाफ नारेबाजी की पे वे ब्रेकिंग न्यूज अवां सां शेयर करे आयूं कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो मुस्लिम लीग नून सुन्नी इतिहाद काउंसिल के कारकुन पारा एक बे खिलाफ नारेबाजी कई वही पे खबर अवां सां शेयर करे आयूं कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो मुस्लिम लीग नून सुन्नी इतिहाद काउंसिल के कारकुन पारा एक बे खिलाफ नारेबाजी की पे वे अहम खबर है जहां अवां शेयर करे आयूं कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो कौमी असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो तफसील मालूम कंदासीं टेलीफोन ते मौजूद है इस्लामाबाद का ब्यूरो चीफ शाकिर सोलंगी जी शाकिर कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो तफसील जी शाकिर कौमी असेंबली के चूंडियल मेंबर कसम खणी छो तफसील जी बिल्कुल कौमी असेंबली के इजलास में अज समूरा मेंबर उन्होंने अज हलफ खी वरत है स्पीकर राजा परवेज अशरफ उनका हलफ वरत है जे सुन्नी इतिहाद काउंसिल जहा मेंबर यानी पीटा जहाँ जे आजाद मेंबर सुन्नी इतिहाद काउंसिल में शामिल थे उन्होंने हलफ हलफ बरदारी का पैर स्पीकर डाइस जो घेरा कर धरणू हुई प्ले कार्ड भी खी आया नारेबाजी भी कंदा रहा पर उन बावजूद उन्होंने भी हलफ कई मौलाना फजल रहमान जो है महमूद खान अचकजई मौलाना फजल रहमान अख्तर मेंगल ये गड अपोजिशन के बेंच गड वही वेठा साथियों समेत इन अलावा मियाँ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान समेत एम के एम के मेंबर भी हलफ कयो है जे भी मेंबर हुआ को भी अड़ो मेंबर जो है पार्लियामेंट में अज आयो है वो अड़ो ना जै हलफ न खी हो पर नारेबाजी जो वो मुकाबलो रो मरियम नवाज वजीर अला पंजाब जो भी अहवान में मौजूद है बया भी जे मेहमान उहवान में मौजूद है आसफा भुट्टो जरदारी भी अहवान में मौजूद है गैलरी में मेहमान की गैलरी में मौजूद है उ कार्रवाई ऐसी रहा मियाँ नवाज शरीफ जो है जैसे दस्तखत कर आयो उन वक्त जे सुन्नी इतिहाद काउंसिल जहा मेंबर मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी कंदा रहा पीटी नून लीग जहाँ जे मेंबर मियाँ नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी कंदा रहा इन्हीं अपोजिशन हुकूमती मेंबर नारेबाजी जो भी मुकाबलो नजर आयो हंगामा आराई बदनजमी नारेबाजी जो है दिसण में आई ऐवान में पर इो पार्लियामेंट के अंदर इो माजी में भी रो है मुख्तलिफ पार्लियामेंट में भी रो है अपोजिशन जो एहतजाज रिकॉर्ड कराई है पर उन बावजूद हंगामारे के बावजूद हलफ बरदारी तकरीब थी वही है इन मेल दस्तखत कर रहा मेंबर इन स्पीकर कौमी असेंबली जो है स्पीकर नए स्पीकर नए डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन जो शेड्यूल अनाउंस कह अज ही वो कागजात नामजदगी वसूल जमा करा वा उन सुने जो है स्पीकर डिप्टी स्पीकर इलेक्शन थी इजलास मुलतवी कर वो जी अच्छा शाकिर यो भी बुझाजो तो जी इजलास शुरू थो या इन वक्त जो कार्रवाई जारी है उनमें इतिहादी हुकूमत जहाँ मेंबर जी वे खुशगवार मूड में हुआ उनका गडो गड अगर मौलाना फजल रहमान इन वक्त इतिहाद में मौजूद ना पर वो भी अगर उनके भी दिखो वे तो वो भी खुशगवार मूड में मौजूद हो पर सुन्नी इतिहाद काउंसिल जहाँ मेंबर परेशान घबरायल नजर आया यो छो उनके तो रिजर्व सीट्स जो मामलो है अपोजिशन में वेठा मौलाना फजल रहमान इतिहादी भी रो है
महमूद खान अचकजई मौलाना फजल रहमान सरकार अख्तर मेंगल ये आसवली जरदारी मियाँ नवाज शरीफ जहाँ नून लीग पीपल्स पार्टी जहाँ इतादी रहा ये नेचुरल इतादी रहा इन के जैसे एक बे सा मौलाना फजल रहमान से आसवली जरदारी मुसाफो कर बिलावल भुट्टो जरदारी से नवाज शरीफ मुसाफो कर हथ मिला उन वक्त उन चेहरन से जो है मुस्कुराहट खुशी की लहर जो महसूस थी नजर आई तो मौलाना फजल रहमान भी मुस्कुरा रहे हो महमूद खान अचकजई भी सरदार अख्तर मेंगल भी तमाम जो तफजात जमात के या लीडर के उन बावजूद जो है उन्हें खुशी खुशी पो हलफ खान में गुजर रात मौलाना फजल रहमान जो कमेटी जहा मेंबर नून लीग पीपल्स पार्टी बिहार जो इतारी जमातू हैं सब वही हूँ मौलाना फजल रहमान फिलहाल वोट दियण ला उनके हा को कई है पर मौलाना फजल रहमान ऐवान में आयो है हलफ खूँ है मौलाना अगम तो हाँ ऐवान में फैसला न थींदा पर मैदान में थींदा तो उन बावजूद इन ऐलान के बावजूद मौलाना ऐवान में आयो है पैं साथियों समेत हलफ खूँ है तो यकीन ही जो नेचुरल इतादी रहा माजी में उनके चेहरन से तो खुशियों नजर अची रही पीटीआई जे सुन्नी इतिहाद काउंसिल में वह आजाद मेंबर उन चेहरन से उ खुशियों रौनकू नजर को अचन पर एहतजाज में ही नजर आया नारेबाजी कह रहा है स्पीकर डाइस जो घेराव कर प्ले कार्ड भी खया चोर चोर जहा भी नारा लगाया पर नून लीग जहा मेंबर उर मियाँ नवाज शरीफ के हक में नारा हल्दा रहा जी अच्छा शाकिर यो भी बुधा जो कि तादी मेंबर हैं जिनमें पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी उनका अलावा जो है अगूणो वजीर आजम सैयद यूसुफा गिलानी मौलाना फजल रहमान अख्तर मेंगल महमूद खान अचक ये सीटों से वही मुलाकात की पर खास तौर से अगर दिखो वे तो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की उनखा पोए हुकूमत जी इतिहादी मेंबर हैं उनखा इजलास का पैरी जो है मौलाना के परचाइन लिए वह हुआ इन में कुछ ब्रेक थ्रू अची सके तो मौलाना उनके का खातर खा कोई मस्बित जवाब अजा तक को मौलाना उनके यो बजायर तो मशवरो क्या सोचा पे पार्टी से सलाह क्या उनके जवाब दींदुस फैसलो असा क्यों पर फिलहाल मौलाना के थदो करण के लिए उनके कमेटी के मेंबर के मोकलो वो पानी जहा छंडा समझो मौलाना से आया वह पर हाँ मौलाना के जैसे आसवरी जरदारी या मियाँ नवाज शरीफ या मियाँ शहबाज शरीफ इंदो तो उनका ब्रेक थ्रो अची सके तो इन कमेटी के मेंबर से पैरों ही असंके अंदाज हो तक ब्रेक थ्रो ना अचण मौलाना जो कैलेबर है वो कमेटी वन कैलेबर बो है वह सेकंड क्यादत है कमेटी में शामिल है जहां फर्स्ट रो की क्यादत है वह जाहिर मौलाना के लेवल जहाँ आसवरी जरदारी मियाँ शहबाज शरीफ हैं तो उ जैसे मौलाना रही वा तरह को ब्रेक थ्रो सामू अची सके तो जी अच्छा शाकिर यो बुधा जो अगर कौमी समझो इजलास जो को जारी है बाहर वाली जी का सूरत हाल है सिक्योरिटी हवाले से भी आगा सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कई वही है असा सहाफी भी वही मुश्किल से रुकावटू तोड़े जो है वो पार्लियामेंट में पुता आयोजा कार्ड पासिस दिखारे पाए स्पीकर कौमी असेंबली वे हंगामे लड़ाई झगड़े के खतरे के करके पासू मेहमान जो जारी क्यों उ घड़ियों पासू उन मनसूख कर छ्यूं रात ही हाँ बहर पार्लियामेंट के गेट में खचा खच मू बीठा वही रश लगी पी मानुन जी हजारन की तादाद में मानु जो पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं जो अंदर अचान चाहन था पर उनके अंदर अचान की इजाजत ना है सिक्योरिटी का इंतहाई सख्त इंतजाम किया वह पार्लियामेंट जो जो भी एरिया है वो तकरीबन सील किया वो है जे पासिस जिनके मानुन वट आहिन उनन के अंदर छड़े पे वने पर कुछ वरी एमएनए सा गड़जी इंदा हैं जे गाड़ी में चढ़ी उए मानु हजारन की तादाद में जे आहिन उए पार्लियामेंट के बाहर मौजूद आहिन कुछ जो है वह पार्लियामेंट में भी मेहमान गैलरी में भी मौजूद हैं पर उ खास खास मेहमान के पासू जारी कई व्यू बाकी जो आम विजिटर जो मेहमान हैं उनके पासू जारी न कई व्यून उन मनसूख कर बहर मौजूद हैं पार्लियामेंट के बाहर सिक्योरिटी जहां सख्त इंतजाम किया वह जी अच्छा शाकिर शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की न्याणी आसफा भुट्टो जरदारी मेहमान वाली गैलरी में मौजूद हुई जैसे आसफ अली जरदारी जो है कसम खणवारी का पोए जो है मेंबर तौर सही करण आयो तो उन वक्त जी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की न्याणी जो है आसफा भुट्टो जरदारी नारो हणी रही त एक जरदारी सपे भारी उनका अलावा जो है जैसे पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे साइन करण आयो तो उन वक्त बीबी का बेटा जिंदाबाद जहाँ नारा आया क्या पे ऐसो तो जी आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जी है तमाम घनी एक्टिव हुई
वक्त नारेबाजी कई नारा हया जाहिरा बया कारकुन भी मौजूद आने उन तरफा भी नारा हया बया मियां नवाज शरीफ भी जैसे दस्तखत कर आयो तो जाहिरा उनकी न्याणी जी वजीर अला पंजाब है मरियम नवाज उठी बीठी उन मरियम औरंगजेब हुई उठी बीठा स्क्रीन से भी तिठा हूँ तो मियां नवाज शरीफ के दस्तखत करने के एतराम में उठी बीठा प्रोटोकॉल में उठी बीठा मियां नवाज शरीफ वाला गल वरी शहबाज शरीफ नालो वरतो वो तो वो भी दस्तखत कर आयो बई गद दस्तखत कर आया ये नारेबाजी जाहिर है को इन जे करे नारा आया व्या तो छाकाण पे जाहिर है आसवरी जरदारी जो को पांजो रोल आए ना असेंबली के कायम करना मौजूदा जका असेंबली है या चूंडू कराने के हवाले से या हुकूमत ठहराने के हवाले से आसवरी जरदारी जो रोल है बिलावल भुट्टो जरदारी जो रोल है इन जे करे आसवा भुट्टो जरदारी खुशी में नारा भी आया है जी। अच्छा शाकिर टोटल केतरन मेंबर जको है कसम खयो है जी अन्या दस्तखत मेंबर करे रहा है ने जदे कंप्लीट थिंदा तो उनका पो यो नंबर त सामू इंदो तो केतरन मेंबरन द हलफ खयो है छाकण ते रजिस्टर मा यो पतो पोंदो है बाकी इनी अंदाजो न थिंदो है छो त मेंबर कुछ अगते पोते भी हुंदा है ने सबई पांजे सीटन ते न हुंदा है को घुमंदा है को बाहर वयो को वॉशरूम वयो को लॉबी में बैठो आ तो बाबा मुजो वारो इंदो तो या दस्तखत करे लॉबी में ले वयो तो इन ई थिंदो आ कई यो जदे दस्तखत थी विंदी तो उनका पो रजिस्टर मा पतो पोंदो तो ठीक है शाकिर सोलंगी हमारे मौजूद जी नाजीन कौमी असेंबली चूंडियल मेंबर कसम खड़ी वरतो कौमी असेंबली स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी रजिस्टर से सही करण वक्त आसफा भुट्टो जरदारी पारा नारेबाजी कई वही आसफा भुट्टो जरदारी अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी रजिस्टर सही करण वक्त एक जरदारी सपे भारी बिलावल भुट्टो जरदारी के रजिस्टर से सही करण वक्त बीबी का बेटा जिंदाबाद जा नारा हया नवाजी कायद नवाज शरीफ नू लीग नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ रजिस्टर से सही कई मुस्लिम लीग नवाज कारकुनन पारा नारेबाजी कई वही जदें मरियम नवाज मरियम औरंगजेब कौमी असेंबली गैलरी में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून सुन्नी इतिहाद काउंसिल के कारकुनन पारा एक बे खिलाफ नारेबाजी कई वही जै बाद स्पीकर खेन खामोश करण लाए हिदायतू जारी क्यों अहम खबर है जहाँ असा शेयर कर कौमी असेंबली चूंडियल मेंबर कसम खड़ी वरतो कौमी असेंबली स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबर के कसम खणायो आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो जरदारी रजिस्टर से सही करण वक्त आसफा भुट्टो जरदारी पारा नारेबाजी कई वही आसफा भुट्टो जरदारी अगूणे सदर आसिफ अली जरदारी रजिस्टर से सही करण वक्त एक जरदारी सपे भारी बिलावल भुट्टो जरदारी के रजिस्टर से सही करण वक्त बीबी का बेटा जिंदाबाद जा नारा हया नवाज लीग कायद नवाज शरीफ नू लीग नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ रजिस्टर से सही कई मुस्लिम लीग नवाज कारकुनन पारा नारेबाजी कई वही जदें मरियम नवाज मरियम औरंगजेब कौमी असेंबली की गैलरी में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून सुन्नी इतिहाद काउंसिल के कारकुनन पारा एक बे खिलाफ नारेबाजी कई वही।